बाजवा के जहरीले बोल, जवाब मिल रहा है मुंह तोड़। बड़गाम में दुम दमाकर भागे आतंकियों की तलाश के लिए बुलाए गए कमांडोज। चीन की चालबाजी की हर पल से जुड़ी हुई खबर। भारत चीन तनाव की तमाम बड़ी खबरें टॉप नाइन चीन पाक सर्च में देखिए। चीन के पिट्ठू बने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का दावा किया है। बाजवा ने भारत को बर्बाद करने की धमकी दी है। बाजवा ने बालाकोट में भारत के मंसूबों को नाकाम करने का झूठा दावा किया। पाकिस्तान में आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को भाजपा की सेना का खुला समर्थन मिल रहा है, इस बात की गवाही ये तस्वीर दे रही है। सलाहुद्दीन जिस गाड़ी पर घूम रहा है वह पाकिस्तानी सेना की है और बुलेट प्रूफ है। गाड़ी में लगी नंबर प्लेट से इसकी पहचान की जा सकती है। पाकिस्तान में काली नंबर प्लेट पर सफेद से लिखे नंबर की गाड़ी सेना के पास होती है। कश्मीर के बड़गांव में आतंकियों की तलाश के लिए मरीन कमांडो बुलाए गए हैं। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि यहां कांटेदार झाड़ियों में आतंकी छिपे हो सकते हैं। कल मुठभेड़ के दौरान लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया, जिसके चलते ये आतंकवादी बचकर भाग निकले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी से सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फायरिंग में अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट के शामिल होने से घबराया पाकिस्तान। चीन से मिसाइल और फाइटर जेट देने की मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन से 30 J-10CE फाइटर जेट और अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल की मांग की है। हालांकि उसकी ये डिमांड 2009 से ही है, लेकिन अभी तक परवान चढ़ नहीं पाई है। LOC पर जवानों के बीच BSF चीफ राकेश अस्थाना और चीन और पाकिस्तान की बेईमान नियत पर वार करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ योजना बना रहे हैं, लिहाजा ये हमारे लिए बेहद अहम वक्त है और ऐसे में BSF की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पड़ोसियों की सीमा में घुसपैठ के लिए बदनाम चीन की अब ऑनलाइन जासूसी की पोल भी खुलने लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने टिकटॉक, वीचैट जैसे कई चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों ने सख्ती शुरू कर दी है। वीचैट ऐप चीन की जासूसी का सबसे कारगर हथियार है। पेमेंट और ई कॉमर्स समेत ऑल इन वन ऐप पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नियंत्रण है। चीन में उइगर मुसलमानों पर जिनपिंग सरकार का अत्याचार सारी हदें पार कर रहा है। चीन में अब उइगर मुसलमानों के इबादतगाह को तोड़कर बार बनाया जा रहा है। यही नहीं, उइगर समुदाय पर DNA सैंपल और उंगलियों के निशान के जरिए नजर रखी जा रही है। अमेरिका ने भी चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब आवाज उठाई है। पाकिस्तान अपने गुरु चीन की तरह ही बलूचिस्तान में बलूच संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने चीन की तरह डिटेंशन कैंपों का निर्माण किया है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले बलूच उग्रवादियों का जमाते इस्लामी जैसे कट्टर संगठन ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें धार्मिक आतंकी बनाया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।